सब्सक्राइब करें अपना चैनल टेकी दिनेश और दबा दीजिए इस बेल आइकन को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल टेकी दिनेश में। दोस्तों इस वीडियो में आपके साथ शेयर कर रहा हूं आप किस तरह से जो एप्पल का लेटेस्ट iOS 11.4 जो आज उन्होंने रिलीज करा, आप उसे किस तरह अपडेट कर सकते हैं अपने डिवाइस में। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा वीडियो। सबसे पहले आप जाएंगे सेटिंग्स के अंदर, सेटिंग्स पर क्लिक करके आप फिर जाएंगे जनरल्स के अंदर। जनरल पे आप जब क्लिक कर देंगे तो आपको इस तरह का टैब दिखेगा। आप सॉफ्टवेयर अपडेट पे फिर आप क्लिक करेंगे और आपके साथ ये देख लीजिए 11.4 अपडेट अवेलेबल है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, अपना साइज़ देखेंगे, आपका स्टोरेज कितनी अवेलेबल है। ये देखिए मेरे पास 68.5 GB अवेलेबल, मतलब जो मैंने यूज़ कर रखी है और जो रिमेनिंग अवेलेबल है। तो हम देखते हैं इस अपडेट के बाद क्या ये मुझे जो इसमें कुछ जो अमाउंट वो रिलीज़ होती है, जो साइज़ रिलीज़ होता है कि नहीं। तो चलिए देखते हैं वो चीज़। तो अब फिर से वापस गए हम सॉफ्टवेयर अपडेट पे किया और हमने फिर क्लिक कर दिया इंस्टॉल अपडेट। तो ये देखिए इंस्टॉल हो रहा है ये अभी। तो ये मेरे से पासवर्ड मांगता है तो मैं डाल देता हूँ। तो ये जो अब ये जो जो अपडेट था उसको वेरीफाई करेगा। तो ठीक है, तो अब देखते हम जाते हैं, हमने अपडेट कर चुके हैं, अब जाते हैं इस पर अबाउट पे। तो ये देखिए आप 11.4 आपका जो अपडेट हो चुका है और अवेलेबल जो स्पेस है 59.57 GB। अब मैं दूसरी जगह जाके दिखाता हूँ आपको, मेरे पास कुछ स्टोरेज अगर रिलीज़ हुई है तो। फिर वापस जाएंगे आप आईफोन स्टोरेज में तो ये देखिए 68.4 GB जो यूटिलाइज आ रहा है, मतलब मेरे जो 100 MB के रिकॉर्डिंग जो रिलीज़ करी है इसमें स्टोरेज। सो होप दोस्तों इस अपडेट के बाद आपकी जो फोन की परफॉर्मेंस है काफी इंप्रूव हो चुकी होगी। सो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया इस लाल बटन को दबा दीजिए जिससे मेरा चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। दोस्तों तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।